गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल क्लास सेकंड, पार्ट 10 चुनमुन। क्या है पार्ट 10 चुनमुन? क्या है चुनमुन? ओपन योर बुक पेज नंबर 41। ओपन योर बुक्स एंड रीड। एक बगीचे में एक मुर्गी रहती थी। बगीचे में कौन रहती थी? एक मुर्गी। उनके उसके तीन छोटे छोटे चूजे थे। मुर्गी के बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चूजे। सबसे छोटे चूजे का नाम चुनमुन था। जो सबसे छोटा था, सबसे छोटा बेबी था, उसका नाम था चुनमुन। वे बड़ा ही नटखट था। जब वे अपनी माँ के साथ घूमने जाता तो माँ के बार बार मना करने पर भी इधर उधर भाग जाता था और मुर्गियों से ढूंढती रहती थी। जो सबसे छोटा चूजा था वो बहुत शरारती था, बहुत नटखट था। वह अपनी मम्मी के साथ जब भी जाता था तो हाथ छोड़कर इधर उधर भाग जाता था और उसको उसकी मुर्गी जो थी उसको ढूंढती रहती थी। माँ कोशिश करती थी चुनमुन उसके साथ रहे। वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे। वह बार बार चुनमुन को समझाती रहती थी कि तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या समझाती थी? कि तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि खाने को कैसे ढूंढा जाता है। माँ की बात सुनकर पहले तो चुनमुन सिर हिला देता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वही करता था। भाई जैसे आप लोग करते हो ना कि मैडम हाँ कल से पढ़ाई कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, मारो मत, है ना। पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैडम इनकी डिसिप्लिन में नहीं है, बच्चे मैनर्स में नहीं है, तो टीचर्स के सामने कहते हो कि हाँ कर लेंगे और घर जाके फिर वही काम करते हो। तो ऐसे ही चुनमुन था। जब उसकी माँ उसको समझाती तो हाँ ऐसे सिर हिला देता था और फिर बाद में थोड़ी देर बाद वही काम करने लग जाता था। एक दिन रोज की तरह चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर घूमने निकला। भाई एक दिन क्या हुआ, वह बाहर निकला। उसे चलते चलते एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। जब वो चलते चलते जैसे अपन लोग घर के बाहर फेंक देते ना कचरा, तो मटर के छिलके दिखाई दिए। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो बहुत भूखा था। छिलकों को देखकर वह माँ की बात भूल गया। उसे जब भूख लगी थी तो उसे छिलके देखे तो वह अपनी माँ की बात भूल गया कि मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा था, और सबका साथ छोड़कर छिलकों के पास पहुंच गया। भाइयों का, बहनों का, सबका, मम्मी का साथ छोड़कर वो छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर जल्दी जल्दी खाने लगा। वे छिलकों में से मटर के दाने ढूंढने लगा और जल्दी जल्दी खाने लगा। वे इतनी तेजी से मटर खा रहा था कि अचानक मटर का एक दाना उसके गले में अटक गया। भाई ज़्यादा आप जल्दी खाओगे आपको बाइट गले में फंस जाता है ना, फिर आपको वोमिट हो जाती है। ऐसे ही वो जल्दी जल्दी खा रहा था तो वो क्या हुआ, मटर का दाना उसके गले में अटक गया। मटर का दाना अटक जाने से चुनमुन को तकलीफ होने लगी और वह रोने लगा। अब उसे अपनी माँ की याद आई कि वे उसे ढूंढने लगा। जब उसे रोने लगा, जब उसके मटर का दाना फंस गया, दर्द होने लगा, तो वो अपनी माँ की याद आई और वो उसको ढूंढने लगा। माँ का दिखाई न देने पर घबरा कर इधर उधर भागने लगा। जब मम्मी उसकी नहीं मिली, माँ उसको नहीं मिली, तो वो इधर उधर भागने लगा। दूसरी तरफ जब मुर्गी ने चुनमुन को अपने साथ नहीं देखा तो वह वापस लौटी और उसने देखा चुनमुन रो रहा था। जब उसने देखा कि अरे तो मेरे साथ नहीं है, तो वो वापस उसी रोड पे गई, उसी जगह गई और उसने देखा कि ये रो रहा है। रोने के कारण पूछने पर चुनमुन ने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। क्या करा? अपना मुंह खोलकर दिखाया, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, वो बोल नहीं पाते, इशारों में ही करते हैं, तो उसने अपना मुंह खोलकर दिखाया। चुनमुन के गले में मटर का दाना अटका हुआ देखकर माँ ने उसे अपनी चोंच से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच छोटी थी जिसके कारण वे दाना ना निकाल सकी। वे छोटी सी चोंच होती है तो वो अंदर तक, उसकी चोंच तक, अंदर तक, गले तक नहीं गई, तो वो दाना नहीं निकाल पाई। तभी उसे अपने एक मित्र, बगुले मित्र का ध्यान आया। किसका ध्यान आया? उसका मित्र था बगुला। मुर्गी रोते हुए चुनमुन को लेकर भागी और बगुले के पास गई।
मैं किसके पास गई वो बगुले के पास। बगुला कौन था? मुर्गी का मित्र था, दोस्त था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे चुनमुन पर दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया और चुनमुन को आगे से ऐसा ना करने की सलाह दी। भाई बगुले की चोंच जो होती है वो बड़ी होती है मुर्गी से, तो उसने उसकी अपनी चोंच उसके गले में डाली और वो मटर का दाना निकाल दिया। उसके बाद उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनमुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माँ से बोला, माँ मुझे से गलती हो गई है। वह बोला कि माँ मुझसे गलती हो गई है, मैं अब आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसुओं को पोछा और उसे गले लगा लिया। कभी भी हमें अपने पेरेंट्स की बात का इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या सीखना मिला हमको इससे कि कभी भी हमें अपने बड़ों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। भाई जो बात हम आपके लिए कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं, कोई बुराई के लिए तो ना कहते हैं। आज हम आपको स्कूल आते हैं, आप लोग हम आपको कोई बात समझाते हैं तो आपके अच्छे के लिए समझाते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? आपके अच्छे के लिए, है ना। इसीलिए हमें कभी भी अपने बड़ों की बात को टालना नहीं चाहिए, है ना। देखो अब शब्दार्थ देखो इसके। फर्स्ट नंबर है नटखट। नटखट मीन शरारती। नटखट मीन शरारती। इधर उधर मतलब यहाँ वहाँ। घबराना हड़बड़ाना। अटकना रुक रुक कर बोलना। अटकना मीन्स रुक रुक कर बोलना। पोछा साफ करना, एहसास महसूस करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, चुनमुन कैसा बच्चा था? कैसा बच्चा था चुनमुन? नटखट। कैसा बच्चा था? नटखट। चुनमुन को माँ ने क्या समझाया? तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ रहा करो। क्या समझाया था? तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ रहा करो, ओके। मुर्गी का मित्र कौन था? मुर्गी का मित्र कौन था? बगुला। कौन था? बगुला। बगले ने मुर्गी की मदद कैसे की? बगले ने मुर्गी की मदद कैसे की? चुनमुन के गले में से मटर का दाना निकाल कर। चुनमुन के गले में से मटर का दाना निकाल कर, ओके। इसके बाद आपको करना है इसके फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में खे वाला ऑप्शन देखिए। खे वाले में फर्स्ट देखिए, चुनमुन बड़ा था क्या? नटखट। क्या था? नटखट, ठीक है। सेकंड वाले में डैश का एक दाना अचानक से गले में अटक गया। किसका दाना? मटर का, ठीक है। उसने अपनी से दाना निकालने की कोशिश की। किससे? किससे निकाला था उसने? चोंच से, ठीक है। मुर्गी ने सारी बात किसको बताई? बगुले को। बगुले, ठीक है। मुर्गी ने चुनमुन के किसको पोछा? आंसुओं को पोछा और उसे गले लगा लिया। आंसुओं को पोछा और उसे गले से लगा लिया, ठीक है। ये आपके फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन गे वाला, ठीक है। गे वाले ऑप्शन में देखिए, चुनमुन डैश का एक छोटा सा बच्चा था। किसका बच्चा था चुनमुन? बतख का, बगुले का या मुर्गी का? किसका था? मुर्गी, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, चुनमुन के गले में डैश का दाना अटक गया, अनार मटर या मूंगफली। किसका दाना अटक गया था? मटर, ठीक है।
मुर्गी अपनी देह से चोंच से दाना नहीं निकाल सकी, छोटी लंबी या चौड़ी। कैसी थी मुर्गी की चोंच? छोटी। ठीक है। चुनमुन घबरा कर इधर उधर डरने लगा, कूदने लगा या भागने लगा? भागने। ठीक है बच्चों, नाउ लेसन नंबर 10 इज कंप्लीट। नाउ लेसन नंबर 10 इज कंप्लीट। विल वी स्टार्ट लेसन नंबर 11, पार्ट 11। देखिए पार्ट 11, प्यारी माँ। क्या है? प्यारी माँ। प्यारी प्यारी होती माँ, बड़ी निराली होती माँ। माँ कैसी होती है हमारी? प्यारी प्यारी। ये सबसे अच्छी कौन होती है बच्चों के लिए? माँ होती है। हर पल ध्यान धरे बच्चों का, हर पल किसका ध्यान रखती है? अपने बच्चों का। अपनी सद विसराती माँ, और अपना सारा प्यार जो होता है वो किस पे देती है? बच्चों पे। हाथ पकड़कर चलना सिखाती, गिरने पर सर सदा उठाती माँ। हाथ पकड़ के भी चलना सिखाती है, और अगर बच्चे गिर जाते हैं तो उसको उठाती भी माँ है। जिससे जीवन सफल बने, जिससे जीवन सफल बने, ऐसी सीख सिखाती माँ। जिससे हम आगे सक्सेस हों, ऐसा हमको सिखाती है हमारी माँ। प्रथम गुरु बनकर जीवन में राह सही दिखलाती माँ। प्रथम गुरु किसको कहा गया है? माँ को। सबसे पहला जो टीचर होता है लाइफ का, वो होती है हमारी माँ, जो हमारे को सही राह दिखाती है, सही रास्ते पर हमको ले जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको शब्दार्थ करने। शुद्ध पता करना, शुद्ध मीन्स पता करना। विसराती मतलब भूल जाना, सब भूल जाती है कि हमको और क्या काम है, सिर्फ एक ही बात याद रहती है माँ को कि अपने बच्चों को हमें कैसे पालना है। निराली अनोखी, प्रथम पहला। ओके, छोटा सा चैप्टर है इसलिए मैंने आपको 10 के साथ ही इसको कंबाइंड वीडियो में बता दिया, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है ना, इसलिए। माँ कैसी होती है? कैसी होती है? प्यारी। माँ कैसी होती है? प्यारी। माँ अपने बच्चों को क्या क्या सिखाती है? माँ अपने बच्चों को चलना, बोलना, खाना पीना आदि सिखाती है। सारी चीजें कौन सिखाता है अपन को? मैडम थोड़ा ना सिखाती है भाई, चलना, हाथ पकड़ के चलना, बोलना, खाना पीना, है ना, सोना, ये सब कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। माँ अपने बच्चों की प्रथम गुरु कैसे होती है? पहली टीचर कैसे होती है? जीवन में सही राह दिखाकर, जीवन में हमें सही राह, सही रास्ता दिखलाकर माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं कि अपनी माँ को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। जितनी पालने में आपको मेहनत माँ ने करी होती है ना बेटा, लाइफ में कोई ने नहीं करी होती है, सबसे ज्यादा दुख झेले होते हैं माँ ने। अब इसका देखिए, ये वाला ऑप्शन देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम गुरु बनकर जीवन में सही दिखाती माँ, है ना, फर्स्ट वाले में राइट। सेकंड में हाथ पकड़कर चलना सिखाती, गिरने पर न उठाती, मैं उठाती तो है रॉन्ग। हर पल ध्यान धरे बच्चों का, अपनी शुद्ध विसराती माँ से। ठीक है, इसके बाद है आपको घे वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छी प्यारी होती माँ, बड़ी होती माँ। कैसे होती? निराली, बड़ी निराली होती माँ, निराली। सेकेंड वाला, हाथ पकड़कर सिखाती, गिरने पर सदा उठाती माँ। हाथ पकड़कर क्या सिखाती? चलना, और जब गिर जाते हैं तो उठा भी लेती। ठीक है, जिससे जीवन बने ऐसी सीख सिखाती। क्या बने हमारा जीवन? सफल बने, ऐसा हमको सिखाती माँ। ठीक है, ये तो हो गया आपके टिक द राइट राउंड और फिल द ब्लैंक्स। अब आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करने डे वाला। फर्स्ट में क्या आएगा?
डैश पकड़कर चलना सिखाती माँ, शेर हाथ या पैर, क्या पकड़कर चलना सिखाती है? हाथ। क्या पकड़कर चलना सिखाती है? हाथ। सेकंड में, हमारा डैश सफल बनाती ध्यान, हाथ या जीवन, क्या सफल बनाती है माँ? जीवन। अच्छी डैश सिखाती माँ, क्या सीख, सिलाई या कहानी? अच्छी सीख, अच्छे संस्कार। यस, नाउ लेसन नंबर 11 इज कंप्लीट। ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारे के सारे लेसन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।